हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक गुरु नानक जी के एक पोर्ट्रेट रंगोली बनाना सीखते हैं। तो सबसे पहले जो गुरु नानक जी की जो स्केच है वो ड्रा करेंगे हम। हम यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक रंगोली से ड्रा करेंगे। आप चाहे तो टाइल्स पे जो क्रायन कलर है, वैक्स कलर रहता है, उससे कर सकते हैं, या चॉक को गीला करके भी कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इस प्रकार पहले जो हेड है, हेड को बनाना है, फिर उसमें आईज, फिर नोज, फिर बनाते बनाते नीचे तरफ आना है, फिर उनके जो दाढ़ी है वो बनाना है। फिर यहाँ पर एक उनके हाथ जो आशीर्वाद दे रहे उस पोज में दिखाना है यहाँ पर। बहुत सारे फ्रेंड का रिक्वेस्ट था कि सर गुरु नानक जी के रंगोली बना के बताइए, तो आज मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके सामने एक सिंपल सा गुरु नानक जी का पोर्ट्रेट रंगोली बनाने का। जैसे ये सर के पीछे एक राउंड बनाना था, तो हमने ये जो ये रंगोली जो स्टेंसिल है वो लिए और राउंड बनाए, फिर अंदर उनको ब्लैक रेड कलर भर दिए। अब रेड कलर भर दिए, इनमें थोड़ा सा शेड करने के लिए रेड में थोड़ा सा ब्लैक मिलाए, फिर जो आउटलाइन है उनको ये थोड़ा सा कत्था बना के वो कलर डाले। और फिर जो रेड कलर है उससे कुछ रेशा बनाएंगे। अब कॉटन बर्ड से इनको फिनिशिंग करेंगे। ये टाइल्स पे कर रहे तो हाथ से भी अच्छा होता है, जैसे मैंने यहां पर हाथ से साफ कर लिए आजू बाजू जो भी रंगोली गिरा था। और ये जो एक लाइन है ये कॉटन बर्ड से लाइन कर दिए। ये पीछे का एक बैकग्राउंड बना राउंड। अब जैसे इनके जो पगड़ी है यहाँ पर येलो कलर है, तो येलो कलर में हमने ऑरेंज मिलाए और येलो कलर में व्हाइट रंगोली मिला के थोड़ा सा लाइट किए, ऑरेंज कलर में थोड़ा सा और रेड कलर की रंगोली मिलाए तो थोड़ा सा डार्क हुआ। तो जो ये पगड़ी है यहाँ पर पहले जो येलो कलर वो पूरा भर देंगे। इस तरह से जो ऑरेंज कलर का कुछ रेशा बनाएंगे और फिर उससे जो डार्क कलर बना था रेड कलर मिला के उससे फिर थोड़ा सा उनको डार्कनेस देना है। इस प्रकार एक इफेक्ट आएगा उनको फोल्ड का जो पगड़ी में रहता है। और यहाँ पर एक कत्था कलर से एक लाइन देना है, ठीक उसी प्रकार नीचे भी कंप्लीट करना है। पहले येलो कलर भर दिए, उसके बाद ऑरेंज कलर, फिर उससे थोड़ा सा डार्क, और जहाँ पर भी हाईलाइट करना है तो वहाँ पर फिर से जो येलो कलर है वो फिल करना है। ठीक है, ये पगड़ी के भाग बना लिए हमने। अब फेस, जैसे यहाँ पर जो कलर पगड़ी का बचा था उनमें से फेस कलर बनाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा व्हाइट रंगोली ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा लाइट हो, और उसमें से उसमें थोड़ा सा रेड मिलाएंगे ताकि थोड़ा रेडिश या पिंक का टच आए उसमें। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रेड मिलाएंगे तो थोड़ा सा वो डार्क होगा, और फिर थोड़ा सा ब्लैक मिलाना है थोड़ा ज़्यादा डार्क करने के लिए। जब हम शेड डालते हैं तो थोड़ा सा जो डार्क कलर वो रहना चाहिए। आप चाहे तो फ्रेश रंगोली लेके भी इसको बना सकते हैं। ये पगड़ी का कलर था तो मैंने उसमें ही बना लिए।
क्योंकि फेस कलर बनाने के लिए येलो और ऑरेंज का यूज होता है, इसलिए उसी कलर को बना लिए फेस कलर। अभी अपने को देखना कि फोटो में कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है, तो जहाँ पे जैसा है वैसा अपने को करते जाना है। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो कलर हम ब्लेंड करते हैं या मर्ज करते हैं वो प्रॉपरली होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं दिखना चाहिए, और वो जो कलर है एक दूसरे से वो मिल जाना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर जो जैसे जैसे बनाया, आप एक बार देख लीजिए कि एक्चुअली मैंने कहाँ पे कौन सा कलर डाली और किस प्रकार काम किया। वीडियो भले ही थोड़ा लंबा चलेगा पर पूरा प्रोसेस आपके सामने रहेगा कि हाँ इस प्रकार के प्रोसेस गया हूं मैं। जैसे आप गाल में पूरा एक ही कलर भर दिए पहले, अब कोई भी कलर भर सकते पहले, उसके बाद डार्क लाइट कर सकते हैं। जैसे एक कलर भर दिए, उनमें जो लाइट कलर था वहां पर डाले गाल में, और फिर साइड से थोड़ा सा डार्क किए, फिर आंखों के नीचे में जो गहराई दिखाना है वो थोड़ा सा रेड कलर से किए, आंखें के अंदर व्हाइट कलर के रंगोली भरना है, और इस प्रकार भाव बनाना है, ऊपर आंखें बनाना है। ये जो इनके आंखें का अंदर का जो भाग है तो हाफ सर्कल बनाना है, ताकि जो वो भावन भाव है, जो एक्सप्रेशन है गुरु नानक जी के, एक करुणा के भाव है, वो भाव आना चाहिए। तो आंखें के अंदर का जो लाइन है वो हमने कत्था कलर डाले, और कत्था कलर के बीच में भी थोड़ा सा लाइट कत्था डाले, और फिर एक वाइट कलर का डॉट डाले। इस प्रकार एक आंखें बनाना है। इस प्रकार नाक डार्क लाइट शेड में करना है। तो ये जो पोर्टल का काम है थोड़ा सा पैशन के साथ करना पड़ता है, थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है काम। ये जो रंगोली है ये बनाने के लिए मुझे 1.5 घंटा लगा, तो फिर भी मैंने एडिट करके आपको 14-15 मिनट में ही बताने वाला हूँ पूरा। जैसे आंखे का ऊपर का भाग है जो भौव के नीचे रहता है वो थोड़ा सा लाइट कलर रहता है, तो ये भाग थोड़ा सा अच्छा से काम होना चाहिए यहाँ पर, आंखे के ऊपर और जो भौव के नीचे जो डार्क लाइट, तभी अपने को लगेगा वो आंखे का जो गहराई है। ये तो हम प्लेन जगह में काम करते हैं, लेकिन अपने को दिखाना है वो गहराई, तो गहराई दिखाने के लिए ये जो हमने डार्क लाइट का शेड डालते हैं, तो ये शेड बहुत ही जरूरी है। जैसे पोर्ट्रेट में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि हम जो कलर शेड बनाते हैं वो शेड बनाना। जैसे एक बार प्लेट में अपना शेड बन गया, 4-5 शेड बन गया, तो फिर आसान रहता है वो काम करने के लिए। तो मैंने बताया कि किस प्रकार शेड बनाया मैंने, आप भी ऐसे शेड बनाइए यदि आप बनाना चाहते हो। और ये जो ब्लैक कलर है ये लेक कलर है, ये थोड़ा काफी अच्छा होता है, जो पाउडर आता है लेक कलर के, और वो ब्लैक लेक कलर के जो पाउडर है वो व्हाइट रंगोली में मिला के फिर ये सर ब्लैक कलर होता है, ब्लैक रंगोली। तो ये थोड़ा बारीक जो व्हाइट कलर बारीक रंगोली रहता है व्हाइट के, तो उनके साथ मिला के बनाता हूँ मैं ब्लैक कलर। तो इससे क्या होता है, जो हम आंखें वगैरह बनाते हैं तो वो बारीकी से गिरता है और अच्छे से फ्लो होता है। ये जो लेक कलर है, डिस्क्रिप्शन में भी है एक पुणे के एक दुकान का एड्रेस, आप जाए तो वहाँ पर फ़ोन करके आप मंगा सकते हैं वहाँ से लेक कलर। खास करके ब्लैक कलर या लेक कलर में यूज कीजिए यदि आप पोर्ट्रेट बना रहे तो डिस्क्रिप्शन में वो एक एड्रेस है पुणे के शॉप के, आप चाहे तो वहाँ पर फोन नंबर भी है, फोन नंबर से आप ऑर्डर कर सकते हैं लेक कलर, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन में ये लेक कलर नहीं मिलता। इस प्रकार कंप्लीट करना फेस को। जैसे दाढ़ी बनाना है तो सबसे पहले कोई भी एक बैकग्राउंड देना जरूरी है, एक तो आप ब्लू डाल सकते हैं या जो ग्रे कलर है वो डाल सकते हैं, उसके ऊपर फिर जो व्हाइट रंगोली है उससे ये रेशा रेशा बनाना है।
जैसे हमने फर्स्ट पहली बार यहाँ पर हल्का सा रेशे रेशे बनाए, फिर भी जो बैकग्राउंड का जो ब्लू कलर है वो दिख रहे हैं, तो वो ज्यादा नहीं दिखना चाहिए, अपना ज्यादा भाग व्हाइट दिखना चाहिए। इसलिए अपने रेशे बनाते ही जाना है, बनाते ही जाना है जब तक कि वो व्हाइट टच ना आए। आप रेशा देते जाइए, जब तक वो व्हाइट टच ना आए तब तक अपने को रेशा देना है। फिर इनके ऊपर जो एक कपड़ा है वो हमने ब्लू कलर पहले पूरा भर दे, प्लेन ब्लू कलर, ब्लू कलर में हमने थोड़ा सा ब्लैक मिला के थोड़ा शेड डाले, और उनको भी हाईलाइट करने के लिए ब्लू कलर में थोड़ा सा व्हाइट रंगोली मिला के थोड़ा लाइट किए, और इस प्रकार एक कपड़े का जो इफेक्ट है वो देना है वहां पर डार्क लाइट से। फिर हाथ में भी जो कलर हमारे बना है कोई भी एक कलर भर दीजिए लाइट कलर, और फिर उसमें डार्क लाइट करना। जैसे मैंने यहाँ पर एक लाइट जो स्किन कलर है वो उठाया, उसके बाद उससे थोड़ा डार्क कलर जो है वो डार्क कलर से जो आउटलाइन है वो करेंगे। और जो हाथ के अंदर है वो थोड़ा सा लाइट करेंगे, थोड़ा ज्यादा लाइट करेंगे, ज्यादा व्हाइट यूज करके उसमें। और एक जो सिंबल है ये बनाएंगे गुरु नानक जी के, और एक व्हाइट रंगोली से उनका थोड़ा सा लाइनिंग खींचेंगे तो ज्यादा असरदार दिखेगा वो। ठीक है, जो नीचे जो येलो कलर के क्लॉथ है उसमें भी थोड़ा सा जो डार्क लाइट से भरना है, जो हमारे भी स्किन कलर था उससे भी हम ये कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक बटन को दबा के लाइक कीजिए, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने होने के बाद जो बेल बटन होता है वो बेल बटन को दबाइए, जिससे मेरे आने वाला हर नए क्रिएटिव रंगोली का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इस प्रकार जो कॉटन बर्ड है उससे जो आउटलाइन है वो एकदम फिनिशिंग करेंगे, और फिर नीचे एक फूल बनाएंगे। जैसे कुछ रंगोली रख दिया यहाँ पर लाइट पिंक का, और फिर उंगली से उनको सरका के एक शेप दिए फूल के, अंदर ऑरेंज कलर भरे, फिर यहाँ पर एक कत्था कलर के डॉट डाल के उनके अंदर येलो कलर डालें, तो एक सुंदर सा सिंपल सा फूल बना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा जो पोर्ट्रेट है वो एक तो देखने में खूबसूरत दिखेगा और वो पैक दिखेगा नीचे से। तो ये सिंपल सा कुछ पत्ती बनाना है, और बीच में एक पिंक कलर का फूल बनाना है, और जो आउटलाइन है वो डार्क पिंक से आउटलाइन करना है। तो इस प्रकार हम एक सुंदर सा गुरु नानक जयंती के ऊपर हम रंगोली बना सकते हैं। यदि आप कोई कंपटीशन में भाग ले रहे गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में कोई कंपटीशन है रंगोली का, तो उसमें भी आप ये बना सकते हैं। जैसे रंगोली बनाए तो इसके ऊपर हम दिया रखेंगे तो वो जो रंगोली का खूबसूरती और बढ़ेगा। जैसे ये जो कांच के छोटे छोटे कांच के ग्लास के अंदर दिया आता है ये ज्यादा अच्छा लगता है रंगोली के ऊपर, क्योंकि जो उनका जो लाइट है वो डायरेक्ट रंगोली पे गिरता है। तो आने वाले गुरु नानक जयंती का आप सभी लोगों का हार्दिक शुभेच्छा। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट्स करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।